प्रिय श्रोताओ, ये भजन जो हम गाने जा रहे हैं, ऐसे भजन समाज को अच्छी दिशा दिखाने का काम करते हैं। और ये बात है एक सास बहू की कि बहू का भाई आ जाता है, वो अपनी सास से पूछती है कि माँ मेरा भाई आया है, मैं उसके लिए क्या बनाऊं? सास बड़े नखरे में होके जवाब देती है कि बनाना क्या है, बाजरे की रोटी बोलो और बथुए का साग बना लो, क्या कोई डीसी आया है जो उसके लिए पकवान बनाया जाए? तो बहू उदास हो जाती है और सास बहू के बीच में क्या बातें होती है सुनिएगा जरा। सास मेरा भाई देखकर सारी बात समझ जाता है और वो उसको कुछ उल्टा सीधा ना सिखाते हुए उसको समझाता है, उसको हौसला देता है कि बहन रो मत। और उसको क्या समझाता है सुनिएगा जरा। बहन मेरी रोवे मत न्याहे, तेरी माड़ी से तकदीर। अगले ही दिन उस बहू का नंदोई आ जाता है और वो फिर से अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ आज मेरे नंदोई जी आए हैं, उनके खाने के लिए क्या बनाया जाए? और जमाई राजा के आने की खबर सुनके बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी में बहू को कहती है कि बहू जाओ बढ़िया सा पकवान बनाओ। और क्या कह रही है सुनिएगा जरा। बहू पर रुका नहीं गया और अपनी सासू को करारा जवाब देते हुए क्या कहा कि सासू माँ जब मेरा भाई आया तब तो आपने कहा कि बाजरे की रोटी और बथुए का साग बना ले, और आज क्या डीसी आया है जो आपने सुंदर सा पकवान बनाने का ऑर्डर दे दिया? सासू माँ इतना फर्क भी ठीक नहीं होता, प्यार इज्जत मान सम्मान सभी को बराबर देना चाहिए। और मेरे भाई तो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ दे कर ही जाते हैं, वो तो भात भी भरेंगे लेकिन जमाई राजा वो तो हमेशा खर्चा करवा कर ही जाते हैं। और वो बहू अपनी सास को क्या कह रही है सुनिएगा जरा। काल के दुश्मन आ रहा था, एरी बथुए का बना साग। काल के दुश्मन आ रहा था, एरी बथुए का बनाया साग। आज के डीसी आ रही,
तेरे रो।